नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। पुलिस ने रविवार की देर शाम हिमपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर खादर के वन क्षेत्र से दैनिक मजदूर चौकीदार का रक्त रंजित शव बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को संदिग्ध मान रही है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम ढोलकपुर निवासी जगराम पुत्र लल्लू सिंह 50 वर्ष लगभग 2 वर्षों से वन विभाग की ओर से सलेमपुर खादर वन क्षेत्र के जंगल में दैनिक मजदूरी लेकर चौकीदारी कर रहा था। इस बीच ग्रामीणों ने उसके रक्त रंजित शव को सलेमपुर खादर के जंगल में पड़े देखा। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष हेमपुर दीपा राम प्रताप सिंह कोतवाल चांदपुर घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने मौका मुआयना किया। पुलिस ने घटनास्थल से डंडा और मोबाइल बरामद किया है। शव के कान और नाक से रक्त स्राव हो रहा था। सिर और शरीर पर चोटों के निशान मिले। परिजनों ने बताया कि मृतक 2 दिन से घर से गायब था। स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना हिमपुर दीपा पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आफताब आलम। जब रूप सनाप लल्लू सिंह निवासी ढोलनपुर थाना हेमपुर दीपा उम्र लगभग 50 वर्ष दैनिक मजदूरी का काम करते थे। कल प्रातः 7-8 बजे ये काम पर निकले थे, लेकिन सायं अपने घर नहीं आए। आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इनका शव सलेमपुर के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा है। इस सूचना पर थाना हेमपुर दीपा की पुलिस एवं इनके परिजन तथा अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इनके परिजनों द्वारा इनके सहकर्मियों बाबूराम एवं सियाराम पर शक करते हुए कि इनके द्वारा ही हत्या की गई है, एक तहरीर थाना हिमपुर दीपा पर दी गई, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसकी सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।